We have to start. Told you yesterday, ठीक है, हमने पिछले क्वेश्चन बहुत सारे कर लिए एक्सटर्नल एंगल वाले, है ना? तो दैट सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर, डिफरेंस इज लेसर, ओके? डू यू रिमेम्बर दिस ऑल प्रॉपर्टीज जो हमने पिछले क्लासेस में की थी? बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डू न्यू प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम. Have you heard this name? Raise your hand जिसने ये नाम सुना हुआ है. Very good. And this property is very very simple, है ना? Simplest in the whole chapter. Right. Please write it down first of all. जो property हम use करने वाले हैं उसको हम side से लिखते हैं so that इसको हम बार बार देख पाएं. अगर आप key points पे लिखना है तो key points पे लिख सकते हो. Pythagoras theorem यहाँ पे हूँ। और पाइथागोरस प्रॉपर्टी. हमारी वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ हाँ बेटी, आवाज आ रही है? यस, आई कैन हियर यू. यू कैन कॉल इट पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ठीक है? कभी कभी आप इसको पाइथागोरस प्रॉपर्टी पढ़ोगे, कभी वो पढ़ोगे, बोथ आर सेम, राइट? अगर की पॉइंट पे लिखना है तो उसमें एड ऑन कर रही पॉइंट को. ये प्रॉपर्टी है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, सेंटेंस तो हमें लिखना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा असर्शन रीजन में सेंटेंस आ जाता है, तो वी शुड नो हाउ टू राइट इन सेंटेंस फॉर्म. इन राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. कई बार आप इसको लिख देते हो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वो भी ठीक है, डजेंट मैटर. परपेंडिकुलर प्लस बेस लिखो या बेस प्लस परपेंडिकुलर लिखो, बात तो एक ही है. इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं एज कैपिटल एच स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल पी स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर. प्लीज रिमेम्बर, अब आपको जब नॉलेज हो गई है तो फिर आप उनके अल्फाबेट पे लिख सकते हो. कैपिटल एच इज हाइपोटेन्यूज, यू शुड नो द नेम. कैपिटल पी इज परपेंडिकुलर, कैपिटल बी इज बेस. अब हमने ट्राइंगल की सेंटेंस को लिख लिया. लेट अस सी इन डायग्राम कि डायग्राम में कौन कहाँ पे होता है, यहाँ की पोजीशंस कहाँ कहाँ होती हैं. ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो, राइट? यू नो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज 90 डिग्री, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए चलती है, किसी और के लिए नहीं चलती. प्लीज रिमेम्बर, राइट एंगल ट्राइंगल एक स्पेशल काइंड ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है? तो ये पाइथागोरस थ्योरम हमारी सिर्फ उसके लिए यूज होती है. तो वी हैव टू राइट, इफ आई राइट हियर ए बी सी, तो हाइपोटेन्यूज कहाँ पे होता है? 90 डिग्री के सामने वाला. ये एरो लगाओ, यहाँ पे लिखो कैपिटल एच. 90 डिग्री में आगे था, मैंने तो इसीलिए आगे बिठाया के बिल्कुल अपोजिट जो होती है साइड, वो होती है हाइपोटेन्यूज, ओके? एंड द बॉटम इज बेस, था। कैन राइट इट इज एज बी ए एस सी बिकॉज वो कैपिटल, दूसरे बी से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? एंड दिस इज कैपिटल पी परपेंडिकुलर. ओके, अब ये तो बहुत मैंने सिंपल सा ट्राइंगल बनाया और सबको पता चल रहा है कि पहचान है आपको कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है. ओके, नाउ फ्रॉम डी सेक्शन सहज प्रीत, डी सेक्शन सहज प्रीत आगे आओ बेटा. Yes, Are you there? ma'am.
राइट एंगल ट्राइंगल में कितने ऑल्टीट्यूड्स होते हैं? एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाउ मेनी ऑल्टीट्यूड्स आर देयर? आप बता रहे हो बेटे, आई एम वेटिंग फॉर यू। क्या बोल रहे हो? सहज प्लीज सर, आपका माइक नहीं काम कर रहा बेटा, डी सेक्शन। ना हाँ बैठ के बोल दो, डजंट मैटर, बट आपका माइक काम करना चाहिए। इट्स ओके, बोल दो जो बॉय हु स्टैंडिंग, यू कैन स्पीक इट। योर माइक इज नॉट वर्किंग, है ना? ओके, बी सेक्शन, बी सेक्शन, योर माइक इज वर्किंग, जल्दी से बता दो। इन राइट हैंड ट्रायंगल हाउ मेनी ऑल्टीट्यूड्स आर देयर? तो माइक नहीं काम कर रहा। सी सेक्शन, माइक ऑन करो अपना, योर माइक इज ऑफ। क्लियर। आप पीछे वहां चले जाओ। क्लियर सी सेक्शन माइक ऑन करो बेटा। कि अभी सेटिंग कर रहे हैं सीन में, है ना? यू हैव शिफ्टेड फ्रॉम समवेयर। ओके, ए सेक्शन, योर माइक इज वर्किंग। जी शिफ्टेड। ऑल राइट, डजंट मैटर, जी इज शिफ्टेड इन सी। किसमें शिफ्ट हुए हैं? अच्छा एम ओके सेक्शन। ओके, लेट देम सिट, बैठने दो उनको, कोई बात नहीं। अभी ये बी सेक्शन में भी बॉयज मर्ज हो रहे हैं। ओके, तब तक ए सेक्शन में माइक इनके पास है। ओके, टेल मी हाउ मेनी ऑल्टीट्यूड आर देयर इन राइट एंगल ट्रायंगल? कैसे, कौन कौन से? अब ये राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने है, बताओ कौन कौन से ऑल्टीट्यूड है। हाइपोटेन्यूज मैंने पूछा क्या है आपसे? क्वेश्चन, परपेंडिकुलर क्वेश्चन क्या था मेरा? ऑल्टीट्यूड ऑल्टीट्यूड पूछा है ना, तो ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ऑल्टीट्यूड क्या होता है बेटा? क्या ऑल्टीट्यूड साइड होती है? ऑल्टीट्यूड का मतलब साइड होता है। बहुत दिनों से हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं, ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? ई सेक्शन, द गर्ल इज रेजिंग हर हैंड, यस बता दो। मैम, देर आर टू एल्टीट्यूड्स इन राइट एंगल ट्राइंगल। कौन कौन से इन दिस फिगर, टेल मी द नेम्स। परपेंडिकुलर मैम परपेंडिकुलर एंड बेस। एंड बेस, हु नो कि देर आर टू परपेंडिकुलर इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल? रेज योर हैंड, जिसको हम ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं। ओके, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। बेटा हमने जब कल हमने एसोसिएशन रीजन क्वेश्चंस में भी किया था, आई थिंक वन वर्ड क्वेश्चंस में भी किया था, नेम द ट्राइंगल हु हैज टू ऑल्टीट्यूड, ठीक है? तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है, अगर हमारा 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो इसको भी हम ऑल्टीट्यूड बोलेंगे और इसको भी ऑल्टीट्यूड बोलेंगे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, ठीक है? अगर मैं यहाँ से देखूंगी तो फिर यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, वहां से देखेंगे तो वहां पे 90 डिग्री बन रहा है, तो दोनों की दोनों साइड जो है वो ऑल्टीट्यूड है। ओके, अब ये जो पाइथागोरस थ्योरम की हम बात कर रहे हैं, इसमें आपको एक चीज की पता होना चाहिए कि हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो कहाँ पे होता है। हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होता है, इसलिए मैंने ये एरो ड्रॉ किया है और आप भी करोगे, राइट? और इसको हमने परपेंडिकुलर लिया है, जो कि एक ऑल्टीट्यूड भी है। अभी अभी आपने बताया कि वो ऑल्टीट्यूड है, ठीक है? तो इसको हमने बेस क्यों लिया? बेस इसलिए लिया है क्योंकि ये बॉटम पे है। बेस का मतलब उसका डाउनवर्ड लेवल, कोई बेस है उसके ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है, तो इस हाइपोटेन्यूज सॉरी पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हम इसको बेस काउंट करेंगे, राइट? है तो वो भी परपेंडिकुलर, ऑल्टीट्यूड है वो भी, बट इस केस के अंदर हम उसको ले रहे हैं बेस है
उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, उसके सामने हमारा हाइपोटेन्यूज है। इज इट क्लियर? यूज तो आपने बहुत किए क्वेश्चंस में, लेकिन आपको उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए। और अगर मैं सपोज ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया, इट इज लाइक दिस, और मैंने बोला कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ए बी सी, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? टेल मी द पोजिशन ऑफ हाइपोटेन्यूज। मैम बी नफन जी सेक्शन, सी सेक्शन, आपका ऑडियो अभी भी ऑफ है बेटा, और इसको ऑन करो, आई विल बी कॉलिंग यू। एंड जी सेक्शन से नमन बेटे आ गया हो, विल यू टेल मी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कहाँ होगा इस ट्राइंगल में? ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें 90 डिग्री ऊपर बन रहा है, जी सेक्शन नमन नहीं है यहाँ पे, विल जी सेक्शन, ओके कोई बच्चा आओ जी सेक्शन से, वेयर आर यू सिटिंग, एनी वन ऑफ यू, वेरी गुड। मैम बीसी बीसी, वाई बेटा बीसी क्यों होगा? मैम बिकॉज वो 90 डिग्री के सामने है। वो 90 डिग्री के सामने है, आपका एरो होना चाहिए यहाँ पे, एरो इज टेलिंग यू कि उसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, वेरी गुड। जिनको नहीं पता था, मार्क एन एरो, ट्राइंगल ड्रॉ करो, ठीक है, मैं एक और ट्राइंगल ड्रॉ करने वाली हूँ। आपको क्वेश्चन में किसी भी फॉर्म में ट्राइंगल आ सकता है जिसके अंदर 90 डिग्री बताया होगा, ठीक है, दिस इज पी क्यू आर, पी क्यू आर, क्वेश्चन 7th है, क्वेश्चन इज प्रेजेंट, मैं जिनको बुलाती हूँ प्लीज फास्ट आया करो बेटे आगे, ओके, क्वेश्चन इज देयर, यस हाँ जी बेटे बताओगे इसमें, इस क्वेश्चन में कहाँ है पी क्यू आर ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कहाँ पे है? टेल मी द साइड, यू नो आर नॉट, क्वेश्चन कहाँ पे हो मुझे दिखाई नहीं दे रहे आप? ई सेक्शन से सेकंड बेंच बॉय, यस हम क्यों क्यूपी के सामने वाला, ठीक है, अब इसको प्लीज पहचान लो, वी हैव डन अ लॉट, वेरी गुड बेटा, सिट डाउन, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि किसकी पोजीशन कहाँ पे आएगी। प्लीज माइंड इट, ये अपने की पॉइंट्स में लिखो ये सारे पॉइंट्स बेटा, आपको पता होना चाहिए कैसा भी ट्रायंगल आ जाए हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है उसकी पोजीशन आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे है, ओके। चलो मॉड्यूल 2 स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 रीड इट, अगर हमें क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया तो वी हैव टू ड्रॉ आर सेल, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हम बिना डायग्राम के नहीं करेंगे। स्टार्ट ड्राइंग, जो जो डायरेक्शंस उसकी दी हुई है, बेस की, परपेंडिकुलर की, हाइपोटेन्यूज की, सबसे ड्रॉ करो, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 15 सेंटीमीटर, वन ऑफ इट्स लेग्स इज 9 सेंटीमीटर, लेग्स का मतलब वन साइड, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन जिनको आता है दे स्टार्ट ड्रॉइंग, दिस इज ट्राइंगल इन विच हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्राइंगल है, सबसे पहले 90 डिग्री बना दो यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
हर एक क्वेश्चन में आपका 90 डिग्री रिप्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि बाय चांस अगर आपकी लाइन टेढ़ी हो गई थोड़ी सी तो वो दिखने में लगेगा कि नहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, बट अगर आपने बीच में 90 डिग्री लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। इज इट फाइन? लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कंपास तो या फिर प्रोटेक्टर तो यूज कर नहीं रहे 90 डिग्री बनाने के लिए। इट शुड बी रिटन प्रॉपरली कि वो 90 डिग्री है। हाइपोटेन्यूज आपके पास है 15 सेंटीमीटर, वी हैव टू राइट हियर। हाइपोटेन्यूज सबको पता है, एरो ड्रॉ कर लो अगर आपको तो और याद रखना है तो, कभी भी गलती नहीं होगी एरो लगाने से। ठीक है, वन ऑफ इट्स लेग्स इज 9 सेंटीमीटर, वन ऑफ इट्स लेग्स, चलो हम इसको ले लेते हैं, किसी को भी ले सकते हो। हमने मैंने बेस को ले लिया, अगर कोई बच्चा परपेंडिकुलर लेना चाहता है तो परपेंडिकुलर भी ले सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर साइड, दे आर आस्किंग अबाउट दिस। ठीक है, ट्राइंगल का नेम लिखो जल्दी से, एबीसी। ठीक है, लिखो यहाँ पे बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, जो जो गिवन है पहले उसको लिख लो। एसी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, बीसी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, एंड एबी इज द क्वेश्चन मार्क। दीज आर गुड मैनर्स टू राइट द समरी ऑफ द क्वेश्चन बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन। हमें उसकी समरी लिखनी है कि हमें क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि लंबे लंबे सेंटेंसेस लिख दो वहां पर। डोंट वेस्ट योर टाइम इन राइटिंग मच। नाउ यू आर अप्लाइंग बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी लिखो, थ्योरम लिखो, जो मर्जी। वी नो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कई बच्चे इसको BC स्क्वायर तो इधर लिखेंगे, AB को उधर लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी लिखो, एडिशन में जहां मर्जी जिसको मर्जी लिख सकते हो। बट प्रॉब्लम दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट इज AC स्क्वायर शुड बी हियर, इसकी पोजिशन फिक्स है। यू नो AC जो साइड है ना, दैट इज द किंग, किंग ऑफ दिस ट्राइंगल, उसको साइड पे रखना है हमने हमेशा। फाइन, चलो वैल्यू पुट करो इनकी। AC स्क्वायर इज 15 स्क्वायर, AB आपको गिवन नहीं है, स्क्वायर में छोड़ देंगे। BC स्क्वायर इज 9 स्क्वायर, सारे नंबर ब्रैकेट में लिखो और पावर उसके ऊपर लिखो। बिना ब्रैकेट के अगर आप पावर लिखोगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, 9 स्क्वायर जो है वो 92 की तरह दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप ही गलत लिखोगे और आपका ही क्वेश्चन फिर गलत होगा, तो बेटर यू राइट इट प्रॉपरली। AB इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर बी पार्ट। ओके, ऑल राइट, 15 स्क्वायर एवरीबॉडी हैज फाउंड, दिस इज 225 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 81, राइट। AB स्क्वायर विल बी हियर ओनली, सिंपल इक्वेशन में आपने किया हुआ है, 225 माइनस 81 एवरीबॉडी विल डू, यानी कि उसने आंसर बता दिया तो अभी चलो बस हो गया, राइट। एवरीबॉडी कैलकुलेट एंड चेक फ्रॉम द बोर्ड, रफ कॉलम आपका रेडी रहना चाहिए। इस स्टेप पे बहुत गलती होती है बच्चों की, बिकॉज आपको ये देखना है कि 41 44 जो है वो किसका स्क्वायर है। उसके लिए आप रफ कॉलम में 144 का एलसीएम लोगे और चेक करोगे कि वो किसका स्क्वायर बनता है। ठीक है, क्योंकि 144 एक थोड़ा सा छोटा नंबर है, इसके और भी आपके थोड़े थोड़े बड़े नंबर आएंगे, तो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि हमें इसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है। तो दिस इज इवन नंबर, वी स्टार्ट फ्रॉम 2। ठीक है, 7 टू द 40, 2 टू द 4, अगेन 2, 3 टू द 6, 6 टू द 12, अगेन 2, 1 8 2 9, डू इट योर सेल्फ। ओके, 3 3 1, जब भी हमने स्क्वायर निकालना होता है उनके पेयर्स बनने चाहिए, दो दो के पेयर्स बनने चाहिए। लेट अस सी कौन कौन से बन रहे हैं, दीज टू, दीज टू एंड दीज टू। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, इसको हम एक बार लिखेंगे, दैट इज टू, दिस इज टू, दिस इज थ्री। ठीक है, लेट मी डू इट।
प्रॉपरली, जिन बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं थोड़ा डिटेल में करूंगी, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि पेयर कैसे बनाना है। 144 को हमने क्या किया, 144 को हमने किया 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। काउंट कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारे फैक्टर्स बने थे इसमें। ठीक है, चलो मैं अभी ये नहीं बनाती, हमने 144 के फैक्टर्स बना दिए। आई एम डूइंग फॉर दोस्त जिनको बिल्कुल नहीं आता कि कैसे हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में लेके आए। ठीक है, तो अभी क्या किया हमने, इसके दो दो के पेयर बना दिए सबके लिए। तो ये क्या बना, 2² × 2² × 3² तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे 2 × 2 = 4। अगर इसको हम प्रॉपरली लिखें, इट विल बी 2 × 2 × 3 का पूरे का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास 4 × 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 12² ये स्टेप मैंने उनके लिए की है जिनको बहुत मुश्किल होती है कि हम स्क्वायर कैसे निकालें। फैक्टर्स निकाले सबको आते हैं, 6 में सीखे थे आपने, और जितने भी क्वेश्चन आपके हाइपोटेन्यूज वाले आएंगे, पाइथागोरस थ्योरम के आएंगे, उसमें क्वेश्चन ही ऐसा दिया होता है कि आपके पेयर बनेंगे, ऑटोमेटिकली बनेंगे। ठीक है, नंबर ही ऐसा आपको आएगा जिसमें दो दो के पेयर बनेंगे जब आप एलसीएम लोगे, फैक्टर्स निकालोगे उससे। दीज आर प्राइम फैक्टर्स, यू नो, पता है ना आपको प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, आपने सीखा हुआ है 6 में, तो दिस इज द वे। ओके, तो आपको ये आ गया 144, जो आ गया वो आ गया 12² = AB². ठीक है, तो दोनों के ऊपर आपके पास 12 स्क्वायर है, तो आप लिख सकते हो AB = 12 cm, जो हमें फाइंड आउट करना था। ये क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के आते हैं बेटा, ऐसे वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अभी तो एमसीक्यू है, तो प्लीज टेक केयर हाउ टू सॉल्व इट कंप्लीटली। ओके, नाउ रेज योर हैंड जिस जिसको पता था कि 144 को हम स्क्वायर करके लिखेंगे, और फिर और कैसे लिखेंगे ये भी आपको पता था। ये तो प्रैक्टिस मेथड मैंने अभी बताया उनके लिए, जिनको बिल्कुल समझ नहीं आती या जिनको प्रॉब्लम है इसमें निकालने में। तो अदरवाइज किस किस को पता था कि यस 144 को हम 12² लिख सकते हैं डायरेक्टली? जिसको 12 का टेबल आता होगा उसको तो पक्का पता होगा। ओके, देन इट इज फाइन, मेनी चिल्ड्रन नो, एंड हु नो इट हाउ टू डू, दे विल सेव देयर टाइम। ठीक है, बिकॉज आपको टेबल ओरल आता है तो बहुत अच्छी बात है, बट बाकी बच्चों का भी रॉन्ग ना हो इसलिए मैंने आपको शॉर्ट टर्म ये मेथड बताया। थोड़ा सा लंबा है बट आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इससे आपको पता चल गया कि हमने कैसे इसके फैक्टर्स बनाए। ठीक है बेटा, सो दिस आंसर इज 12, दिस इज बी ऑप्शन, यू कैन मार्क इट। सेकंड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस में अभी हम यही करने वाले हैं, इसकी भी डायग्राम ड्रॉ करो, पूरा का पूरा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, वेदर इट इज एमसीक्यू और नॉट, क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। एवरीबडी ड्रॉ द डायग्राम योर सेल्फ रीड करके, यू कैन चेक फ्रॉम द बोर्ड कि आपका फिगर ठीक है कि नहीं, अपनी नॉलेज से ड्रॉ करो। हाँ जी बच्चे, सेकेंड क्वेश्चन इज द पैरिमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज गिवन एंड डायगोनल इज गिवन। रेक्टेंगल सबको ड्रॉ करना आता है, सेकंड क्वेश्चन, रेक्टेंगल की फिगर ड्रॉ करो। ठीक है, लेंथ दी हुई है 60 सेंटीमीटर, तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि लंबी वाली साइड होगी, लेंथ इज ऑलवेज हियर। डायमेंशन आमने सामने लिख दो 60 सेंटीमीटर, एंड वन डायगनल इज गिवन 61, डायगनल इज दिस जो कि कॉर्नर को ज्वाइन करता है, दिस इज 61 सेंटीमीटर एंड यू नो। अब आप सोचोगे ये चैप्टर तो ये ट्रायंगल का है, अभी बीच में रेक्टेंगल कैसे आ गया, है ना?
अभी किसके माइंड में आ रहा है कि ये रेक्टेंगल भी हमारा एक ट्रायंगल की तरह काम कर सकता है? किसके माइंड में आ रहा है? वेरी गुड। एफ सेक्शन ये सेकेंड लास्ट बॉय, यस, मिडल रो, आ जाए जल्दी से, सेकेंड लास्ट बॉय, एफ सेक्शन, यस बेटा। व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ? हाउ टू स्टार्ट? हाँ जी, माइंड की प्रॉब्लम आ रही है। मैम इसमें हम ब्रेथ ढूंढनी ब्रेथ ढूंढनी है, यस। फिर क्या करोगे? क्या माइंड में आ रहा है? हाउ टू स्टार्ट इट? इट इज है अ पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम लगाएंगे। उसके लिए 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, है ना? मैम तो क्या यस राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? 90 डिग्री है एंगल, यस यस। यू नो ऑल आर 90 डिग्री बिकॉज दिस इज रेक्टेंगल। वेरी गुड, सिट डाउन बेटा। अभी हम ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करें तो एक ही 90 काफी है। आपको पता है सारी 90 है, रेक्टेंगल है वो, तो 90 डिग्री आपके सामने है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपके पास हाइपोटेन्यूज होगी, एवरीबडी नोज। ओके, तो हम इसके जल्दी से नेम लिख के हम स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी, हमने एक ट्राइंगल ले लिया, हमारा काम हो जाएगा उससे, राइट? बिकॉज दे आर आस्किंग पैरामीटर, तो उसके लिए हमें एक दूसरी साइड भी चाहिए। तो इन ट्राइंगल ए बी डी वी हैव बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। एवरीबडी डू इट, यू नो हाउ टू डू। सब लोग अपना अपना बेंच लाओ, कैलकुलेट करो। मैं आपसे ही पूछूंगी अभी क्या क्या आंसर आ रहा है इनका। गुड गुड, आई एम वेटिंग फॉर यू। इधर उधर नहीं देखना, रफ कॉलम रेडी रहना चाहिए। जल्दी से उसमें कैलकुलेट करो। डी सेक्शन, यू आर टेकिंग रेस्ट, आई एम नॉट गिविंग यू फ्री टाइम। हाथ आपका फास्ट चलना चाहिए। क्विकली, यस, जिस इसका निकलता जा रहा है हाथ खड़े करते जाओ। सिर्फ पेरीमीटर नहीं निकालना, आपने पहले इसकी साइड निकालनी है, ब्रेथ निकालनी है सिर्फ। ओके, सी सेक्शन से हैंड्स डाउन बेटा, आई हैव सीन यू, लेट अदर्स ऑल्सो डू। 11 सेंटीमीटर एवरीबडी वेट वेट, गुड गुड। एग्जाम में भी हाथ आपको फास्ट चलता है ना, क्योंकि चीजें आपको आती होती हैं, है ना? तो अभी भी ये भी आता है आपको, राइट इट योरसेल्फ। गुड, डोंट टॉक टू इच अदर, यू विल बी चेकिंग फ्रॉम हियर ओनली। जब मैं बोर्ड पे लिखूंगी आप इधर से चेक करोगे अपना आंसर, अपना करके अपना उसको छुपा के बैठ जाओ बस। डोंट शो इट टू एनीबडी कि यस मैंने कर लिया और तेरा क्या आंसर आया। डोंट आस्क, वेरी गुड वेरी गुड। अगर मेरे सामने क्लास में आप अगर यहाँ पे या फिर अपने स्कूल में कॉन्फिडेंटली अपनी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक करते हो, यू गेट मोटिवेटेड, यू गेट कॉन्फिडेंट कि मेरे को ऐसा क्वेश्चन आता है। और एग्जाम में पक्का एक हाइपोटेन्यूज वाला क्वेश्चन आता ही आता है पाइथागोरस से हमका। ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर, इट इज 61 स्क्वायर इज इक्वल टू 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। कैलकुलेशन हमने फटाफट जब चेक की तो 80 आपके पास आ रहा था। AD is coming AB to इक्वल्स be टू 11 सेंटीमीटर 121 is equal to 11 square. It means AD is equal to 11 centimeter. किस किस का AD 11 centimeter आ रहा है? Raise your hand. किस किस ने निकाल लिया? आपको काफी टाइम मिल गया करने का। वेरी 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 गुड, हैंड डाउन हैंड डाउन। और जो बच्चे कर रहे हैं प्लीज कंटिन्यू करो, उसको बीच में छोड़ना नहीं है।
पेरीमीटर अच्छा इज इक्वल्स टू 142 सेंटीमीटर. ओके, पेरीमीटर यू नो, फॉर्मूला यू नो, राइट डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × L + B. पता है ये फॉर्मूला आपको? अगर नहीं भी पता है, यू शुड नो. पेरीमीटर में हम सारी साइड्स को आपस में प्लस कर देते हैं. जिसको फॉर्मूला नहीं याद रहता तो गलत फॉर्मूला नहीं लिखना, सिर्फ यही देखना है कि हमें वी हैव टू एड ऑल द साइड्स एंड हेलो फाइंड. मैम, गुड मॉर्निंग मैम. यस सर, गुड मॉर्निंग सर. मैम देयर इज अ मिस्टेक. मैम वी आर फाइंडिंग हियर ए बी नॉट ए डी. We are finding AB. Yes. All right. BD is 61. AB is given. AB we are finding. All right. Please correct it down. This is AB square, and ED was given to be 60. All right. So here you can shift AB square. It is fine. This is AB. All right. This is fine. We have found AB as 11 centimeters. This is okay. Okay, I wrote it by mistake. I wrote AD over here. I hope you have written correctly, all of you, in the notebook. किस किसने अपनी नोटबुक में ठीक लिखा था? रेजो हैंड, क्योंकि आप खुद कर रहे हो इसको, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, उसमें जो अननोन साइड है ऑफकोर्स उसी को हम साइड पे करेंगे और वो निकालेंगे. सो पेरीमीटर यू नो एल ऑल्सो, यू नो बी ऑल्सो. सो बाय एडिंग यू कम टू नो दिस इज 142 सेंटीमीटर. तो आपकी ऑप्शन आ गई डी. अपनी कैलकुलेशन खुद करो एंड चेक करो कि क्या आपका आंसर ठीक है. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर थ्री. टू टावर्स ऑफ हाइट 28 मीटर एंड 36 मीटर आर बिल्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर. लेट अस ड्रॉ इट. इसमें फिगर किसी में भी नहीं दिया हुआ, इट्स ओके, वी नो हाउ टू ड्रॉ. ये जो आपको कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंगली करते जाओ. टू टावर्स ऑफ हाइट 28 मीटर एंड 36 मीटर. आपको दिख रहा है कि एक छोटा है और एक बड़ा है. आर बिल्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर. उनका दोनों का जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर. दीज टू आर गिवन. ठीक है, ये टू टावर्स हैं. वन इज 28 सेंटीमीटर, सॉरी, एंड अदर इज 36 मीटर हाई. टावर की बात हो रही है तो ऑफकोर्स मीटर में होगा वो. टेक केयर, ये यूनिट का भी ध्यान देना है आपने. देयर डिस्टेंस इज 15 मीटर. डिस्टेंस तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही होगा, यू नो. ठीक है, वी नो देयर डिस्टेंस. देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ द टावर. टॉप्स आर हियर, यू कैन सी वेरी वेल. अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो इनके टॉप्स कहाँ होंगे? दिस डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट. ठीक है, ये क्वेश्चन दिस इज न्यू फॉर यू. ठीक है, बट डिफिकल्ट नहीं है ये. वन थिंग यू शुड नो इन दिस, जो आपको अपने आप प्रोड्यूस में नॉलेज अप्लाई करनी है, व्हाट इज दैट, कि इन दोनों का डिस्टेंस 15 मीटर है. तो ये डिस्टेंस जो है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये डिस्टेंस सेम ही रहेगा ना? यहाँ तक ये डिस्टेंस सेम ही रहेगा ना? दिस यू नो, नीचे 15 है तो वहां पे भी 15 ही होगा, राइट? सो वी कैन राइट इट एज 15 मीटर. अपने आप लिख सकते हैं इसको 15 मीटर. नीचे 15 है इनका डिस्टेंस, तो ऑफ कोर्स उनका 15 15 चलता जा रहा है ऊपर तक. ठीक है, यू कैन मार्क इट एज ए बी सी डी ई. क्योंकि अभी हमने ट्रायंगल को यूज करना है तो उसके लिए हमें नेम पता होना चाहिए. एंड यू नो टू टॉवर्स आर देयर, दे आर वर्टिकली स्टैंडिंग. वर्टिकली स्टैंडिंग तो ऑफकोर्स यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा. दिस विल बी 90 डिग्री. ठीक है, सो वी हैव कम टू नो
आर राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हमने अपनी पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगानी है. राइट डाउन इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल यू कैन राइट डाउन इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ऊपर वाले ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, जो जो हमें गिवन है उसको लिखो. ए बी किसको गिवन है? 17 मीटर्स कौन से सेक्शन से बोल रहे हो बेटा? सी सेक्शन. ओके रिपीटेड बेटा, व्हाट डिड यू से? क्या एम डिफरेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज 17 मीटर. 17 मीटर? किस किस ने निकाली है? रेज़ योर हैंड. ओके वेरी गुड. ओके जिन्होंने निकाली है दैट इज ओके, प्लीज वेट फॉर अदर्स. ओके हैंड्स डाउन. पाइथागोरस प्रॉपर्टी आपने लगा ली वहां पे, ठीक है. यू हैव कम टू नो ये डिस्टेंस जो है पूरा का पूरा 36 था बेटा, तो उसमें से आपको पता है कि ये तो 28 है, तो ये ऊपर वाला कितना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक? 36 माइनस 28, ठीक है. कंप्लीट आपके पास ये है, तो ऊपर वाला आपको ए भी पता चल गया, इट इज 6 मीटर. मैम 8 मीटर आएगा. ई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 28 8 8 मीटर आएगा. मीटर मैम. 16 माइनस 8 8 आएगा. यस प्लीज कंप्लीट करो इसको. ए वी हैव टू फाइंड आउट. यस 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. क्विकली जल्दी से 15 स्क्वायर आपने बहुत बार यूज किया है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया था इसको. 224 यस ए आपके पास आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 225. माइनस माइनस करोगे प्लस करोगे? व्हाट इट शुड बी? ए स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, प्लस या माइनस? क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? सिक्स प्लस. है ना, 8 स्क्वायर आएगा, 64 आएगा यहाँ पे. इधर ओके 289 जो बच्चे कर रहे हैं इसको करके मैच करो बेटा, तो ए ई विल बी इक्वल टू 17 मीटर. और ये 17 कैसे आया, जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे निकाला है, 289 से प्राइम फैक्टर्स निकालोगे आप और चेक करोगे. इंदर आप ओके यूएससी की 289 किसके टेबल में जाता है, राइट? तो ये आपकी ऑप्शन आ रही है बेटा डी. प्लीज इसको रिवाइज करना, ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपका ट्रिकी था. दिस इज आउट ऑफ द वे, यू विल नॉट फाइंड सच क्वेश्चन इन योर बुक ऑल्सो. आई थिंक यू आर फाइंडिंग दिस टॉपिक एज इजी एज कम्पेयर टू प्रीवियस जो हमने किया था. इसको पाइथागोरस प्रॉपर्टी इजी लग रही है, रेज योर हैंड. हाँ ये इजी है ये, यस. और एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आता है इसका, आना ही आना है. वेरी गुड हैंड्स डाउन, ठीक है. हर एक क्वेश्चन में सेम ही फॉर्मूला यूज हो रहा है. ओके फोर्थ क्वेश्चन की मैं फिगर ड्रॉ करूंगी बेटा, देन यू कैन डू एट होम. अ लेडर दैट इज 13 मीटर लॉन्ग लीन्स अगेंस्ट अ बिल्डिंग, लीन्स अगेंस्ट अ बिल्डिंग. जब भी आप एक लेडर रखते हो, ये वॉल है स्कूल, तो लेडर की डायरेक्शन ऐसी होती है हमेशा, यू नो. लेटर को स्लांटिंग में भी रखा जाता है. तो अ लेटर दैट इज 13 मीटर लॉन्ग, तो लेटर की लेंथ हमें दी हुई है 13 मीटर. द बॉटम ऑफ द लेटर इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग. दिस इज बिल्डिंग, दिस इज द बेस विच इज 5 मीटर. द डिस्टेंस बिटवीन लेटर एंड बिल्डिंग इज 5 मीटर. तो डिस्टेंस ऑफकोर्स हम बॉटम पे ही लेंगे, बेस पे ही लेंगे डिस्टेंस, राइट? हाउ फार अप द वॉल ऑफ द बिल्डिंग डज द लेडर रीच? वी हैव टू सी कि बिल्डिंग की कितनी हाइट तक लेडर जो है इट इज रीचिंग. प्लीज डू इट एट होम, यू नो सेम फॉर्मूला लगेगा. आई एम गिविंग यू क्लू, इसका आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज 12 मीटर. प्लीज डू एट होम, राइट मीटर डाउन द आंसर एंड डू एट होम.
पाइथागोरस प्रॉपर्टी के जितने भी क्वेश्चन हैं एक साइड मिसिंग होती है हमेशा, कभी हाइपोटेन्यूज कभी एक परपेंडिकुलर या फिर बेस। ओके दैट यू नो फॉर्मूला सेम ही लगेगा एंड जो मिसिंग वैल्यू है उसको आप निकाल लेना। फिफ्थ क्वेश्चन बेटा, वी आर गोइंग टू डू फिफ्थ नाउ। डायग्राम इज गिवन टू यू, प्लीज ड्रॉ इट, कॉपी डाउन करो उसको और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। एक बार आप खुद पढ़ो, एक बार फिर मैं आपके साथ पढ़ूंगी। ऑल सिंसियर चिल्ड्रन दे डू इट ट्वाइस, दे रीड देमसेल्व्स ऑल्सो। इसके आपके 4 मार्क्स पक्का होने चाहिए, इसमें लंदी क्वेश्चन होता है तो 4 मार्क्स का या मैक्सिमम 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आता ही आता है एग्जाम में। फिफ्थ क्वेश्चन काफी बच्चों ने कर लिया, आई कैन सी हैंड, इट इज नॉट डिफिकल्ट। फिगर आपको दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर पी इज 300 किलोमीटर। तो जल्दी से हम इसका पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं प्रॉपरली विद डायमेंशन, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि कौन कहाँ पे आ रही है वैल्यू। तो ये आपकी दी हुई है बेटा ईस्ट, दिस इज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज क्यू, दिस इज पी, देन ओ एंड दिस इज द मिडिल पॉइंट ऑफ दिस दैट इज आर। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करके आया है कि एक मिडिल पॉइंट दिया हुआ है आपका हाइपोटेन्यूज का, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर, वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस, दिस इज नॉट। ओके इसको एन मत फोर कर लेना, हम राइटिंग इट कम्प्लीटली। तो आपको ओ आर क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो यू नो उन्होंने क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपसे पूछा है, अदरवाइज दिस इज नॉट डिफिकल्ट। आपको पता है कि जैसे ही हमारे पास पूरी क्यू की लाइन आ जाएगी तो उसका हम हाफ कर देंगे, जो जो गिवन है 300 किलोमीटर कहाँ पे आएगा, ओपी पे, यू नो इट। और आपका 400 किलोमीटर नॉर्थ यहाँ पे आएगा। जल्दी से निकालो, आई एम वेटिंग फॉर यू। यस 250 किलोमीटर ओके लेट एवरीबॉडी डू, 250 इज करेक्ट आंसर। जल्दी से एवरीबॉडी विल डू। थोड़ा सा बड़ा नंबर है लेकिन बड़ा नंबर में जीरो ज्यादा है, इसलिए दिस इज नॉट डिफिकल्ट, है ना। यू कैन सी वेरी वेल कि क्यू आर स्क्वायर जो है हमारा, शैल आई राइट इट हियर, दिख जाएगा आपको, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर। थोड़ा सा बड़ा नंबर आएगा बट इजी है, उसके जीरो तो जो 4 जीरो बनेंगे उसको 2 में कन्वर्ट कर देंगे आफ्टर स्क्वायरिंग, ठीक है। किस किस का आ रहा है, रेज योर हैंड जिस इसका निकलता जा रहा है। क्यू आर आपके पास 500 आना चाहिए, जिसका 500 आ रहा है दे आर डूइंग इट राइटली। क्यू आर इज नॉट द आंसर बट यू आर वेरी नियर टू द आंसर आफ्टर फाइंडिंग क्यू आर। इज 500 मीटर। क्यू आर इज 500 मीटर, किस किस का निकल रहा है, जो जो निकाल रहे हैं रेज योर हैंड, आई वॉन्ट टू सी यू। मैम देयर इज नॉट आर, देयर इज पी। मैम पार्डन बेटा, आपने आर लिख दिया, पी है। ओके इट इज क्यू पी, इट इज ओके, यस क्यू पी, यस वी हैव टू फाइंड नाउ क्यू आर, क्यू आर वी हैव टू फाइंड। 500 मीटर किस किस का निकल रहा है, पूरा हाइपोटेन्यूज। जिसका निकलता जा रहा है 500, जिसका 500 मीटर निकला प्लीज रेज योर हैंड। ओके गुड, मोर, आई वांट टू सी मोर हैंड, करते रहो, आई एम स्टिल वेटिंग। यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर,
जो बच्चे यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हैं, हैव दे डन इट? रेज योर हैंड, हैव यू फाउंड 500? गुड गुड, नाउ वी हैव टू रीच एट द फाइनल आंसर, दैट इज क्यू आर, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी, विच इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 2, इट इज इक्वल टू 250 मीटर. तो आपकी ऑप्शन इसमें आ रही है ए ऑप्शन. जिन बच्चों को अभी कंप्लीट नहीं हुआ है प्लीज कंप्लीट एट होम. ओके, योर ओन प्रैक्टिस विल मैटर अलॉट. Assertion reason. First is a triangle is said to be isosceles if two of its sides are of same length. बहुत बार किया isosceles triangle. Raise your hand True. say true. इनको लगता है ये true answer होना चाहिए, हाथ खड़ा करो. Yes, assertion is true. Reason, in a right angle triangle, two angles are of measure 90 degrees. False, false. False. है ना, सिर्फ एक ही एंगल हमारा 90 डिग्री होता है. सिक्स क्वेश्चन की आपकी ऑप्शन आ रही है ये सी ऑप्शन, राइट? आपका ये फॉल्स था ना, राइट. क्वेश्चन नंबर सेवन, पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स लेग्स. True. ट्रू, यस. अभी को यूज किया है हमने इसको. Assertion is true. Reason, in a right angle triangle, the side opposite to right angle is called the hypotenuse. True. You know it. हमने एरो लगाया था सब में, सारे ट्रायंगल में हमने एरो लगाया था बताने के लिए कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, राइट? दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो ऑप्शन मैम इज ए पार्ट बी आ सकती है इसमें, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम के असर्शन में बात हो रही है कि पाइथागोरस थ्योरम ने हमें बताया कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है? और सेकंड में हम बात कर रहे हैं राइट ट्रायंगल की, कि हाइपोटेन्यूज की पोजीशन कहाँ पे होती है, राइट? ईट क्वेश्चन. असर्शन इज इन द गिवन फिगर, फिगर दी हुई है आपको, फॉल्स. 15 ए, फिर से 15 स्क्वायर आ गया. बहुत बार निकाल लिया आपने 15 स्क्वायर, तो क्विकली चेक कर लो इसको. चेक करो कि क्या वो 18 आ रहा है, तो हाइपोटेन्यूज 17 17 आएगा. यस, ठीक है, ये कैलकुलेशन आप कर चुके हो. 225 प्लस 64 आपने ऊपर भी की थी थर्ड क्वेश्चन में, तो आपको पता चल रीजन गया कि ट्रू. 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर होता है. आपको पता चल गया है ना, 289 इज पिकुलियर नंबर है, इसको आप याद भी रख सकते हो. 17 स्क्वायर होता है 289, पहले भी हम यूज कर चुके हैं इसको. Assertion is false and reason is true. हमने पाइथागोरस प्रॉपर्टी इसमें लगाई है, तो आपकी ऑप्शन आएगी डी. टाइम इज ओवर. टाइम इज ओवर. ओके, केस स्टडी विल डू नेक्स्ट टाइम बेटा. प्लीज रिवाइज दीज ऑल पाइथागोरस प्रॉपर्टी, अच्छे से क्वेश्चंस कर देना सारे. चलो, ओके, ऑल द बेस्ट.